विंटर सीजन आ गया है और घोड़ों की जो हेयर ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा हो गई है ठंड की वजह से। इस घोड़े के तो फिर भी कम है, अगर फिर भी हम लोगों ने क्लिपिंग करा दी है, ये डिफरेंस है। एक तो इन दिनों में घोड़ों को कई बार डैंड्रफ आ जाते हैं, उस चीज़ का भी इलाज होगा और आपके लिए सफाई बड़ी आसान हो जाएगी। इतने बाल आप अपनी ग्रूमिंग से कभी भी नहीं उतार सकते जितने इस क्लिपिंग मशीन से उतर जाएंगे। ये हमारा पोनी है, पोनी के ऊपर आप देख सकते हैं कितनी हेयर ग्रोथ है। और जब भी कोई पोनी या घोड़ा जिसको आप राइड करते हैं या बग्गी में चलाते हैं, जब उनके ऊपर ज़्यादा बाल हों और ऊपर से वो पसीने से गीले हो जाएं और ठंडी हवा चल रही हो, तो उनके बीमार होने का, उनको ठंड लगने का चांस ज़्यादा रहता है, जैसे उन्होंने एक गीला कंबल हर समय ओढ़ रखा हो। अदरवाइज़ तो बॉडी की गर्मी से जो पसीना है वो एवेपोरेट हो जाता है, बॉडी के ऊपर वो नहीं रहता ज़्यादा समय, कि बॉडी में काफ़ी हीट हो जाती है, उस वजह से पसीना अपने आप सूखता रहता है। अगर बाल ज़्यादा होंगे तो दिक्कत आती है, वो गीला रहता है घोड़ा, और उसको सिखाने के लिए भी आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। सो क्लिपिंग हम लोग तो परमानेंट एक प्रैक्टिस है जो हर साल होती है घोड़ों के लिए। सर्दियों में आलमोस्ट डेढ़ महीने बाद क्लिप इनको करा देंगे। ये मिट्टी आप देख सकते हैं, ये अभी घोड़े को नहला के लाए, और सुबह भी इसको एक बार खरखरा भी हुआ था, मगर उसके बावजूद भी इतनी मिट्टी बालों में डिपॉजिट रह जाती है। कई लोग पसंद करते हैं कि घोड़ों को क्लिप ना किया जाए, उनकी अपनी प्रेफरेंसेस होगी, मगर मेरा मानना यही है कि क्लिपिंग के बिना घोड़े की सफाई उतनी अच्छी नहीं कर सकते आप जितनी क्लिपिंग के बाद होती है। और जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको पीले रंग के घोड़े पसंद है, कुमैत को आप क्लिप करो तो पीले वाले फील भी कुछ दिन ली जा सकती है। मेरी नज़र में ये भी एक बेनिफिट है इस चीज़ का। इतने बाल आदमी खरखरे से कैसे गिरा लेगा जी, खरखरा तो रोज मारते हैं मगर इतनी बात तो नहीं बनती। और राइडिंग के समय घोड़े बिल्कुल ही गीले हो जाते हैं, और कुछ दिन घोड़े का एक बिल्कुल ही नया रूप नज़र आएगा फोटोज और वीडियो में।